हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड कुजीन। आज हम बात करेंगे कनाडा स्टार्टअप वीज़ा की, व्हाट इज़ द प्रोसेस और कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो पीआर प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स जो हैं, पीएनपी प्रोग्राम्स, वो स्कोर्स इतने हाई जा रहे हैं कि लगभग इम्पॉसिबल होता जा रहा है एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के थ्रू इमिग्रेट करना कनाडा में। क्योंकि अगर आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स नहीं है और आपकी एज 35 से ऊपर है और आईएलटीएस स्कोर आपका एवरेज है, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप जो है कनाडा इमिग्रेट कर पाएँ। तो इसलिए जो है एक इजी ऑप्शन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ द कनाडा स्टार्टअप वीज़ा। तो कैसे इसको अप्लाई करना है, इसको ईजी वे में समझते हैं। जो भी आपको डिटेल्स इस प्रोग्राम की जो आपको चाहिए वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट है www.canada.ca। इस पे आप स्टार्टअप वीज़ा से रिलेटेड जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। सो लेट स्टार्ट। तो अगर फीस की बात करें तो कनाडा स्टार्टअप वीज़ा की जो फीस है वो है 2140 कैनेडियन डॉलर्स जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो वेबसाइट पे 32 मंथ्स जो है दिया हुआ है, तो लगभग आप मान के चलें 3 इयर्स के आसपास जो है प्रोसेसिंग टाइम है। और ये एप्लीकेशन जो है ये आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस। कनाडा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम टारगेट्स इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स विद skills and potential to build business in Canada that are innovative, can create jobs for Canadians, can compete on a global scale। तो मतलब अगर आपके पास business idea है, कोई innovative idea है और कुछ agencies हैं, Canadian agencies government approved, वहाँ से आप उसको approve करा लेते हैं, तो this is the easiest way to move to Canada with your family। If you have an innovative idea, you can get support for your idea from one of the designated organization, you may be able to immigrate to Canada। तो आपके पास एक innovative idea होना चाहिए, आपको वो approve कराना है designated organization से, और जो है आपको letter of support लेना है, और आप जो है अपना PR जो अप्लाई करके बिजनेस PR अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। अप टू 5 पीपल कैन अप्लाई द स्टार्टअप वीज़ा। 5 लोग जो है अगर जो कलेक्टिवली जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। तो वो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं? पहली है वेंचर कैपिटल फंड्स। इसमें जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं। अगर आप इससे अपना बिजनेस प्लान अप्रूव करवा लेते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो $2,00,000 आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और आपको लेटर ऑफ सपोर्ट दे देती है, तो आप जो है अपना PR अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है एंजल इन्वेस्टर्स ग्रुप। इसमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये $75,000 आपके आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, देन ऑल्सो यू कैन बी एलिजिबल। और एक थर्ड ऑप्शन है बिजनेस इंक्यूबेटर। इसमें जो है आप यू मस्ट बी एक्सेप्टेड इनटू वन ऑफ दिस प्रोग्राम। इसमें प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आप इसमें देखिए, रिसर्च करिए, अप्लाई करिए, अगर आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सो जो है यू कैन गेट द लेटर ऑफ सपोर्ट एंड यू कैन अप्लाई। इसमें एक बेस्ट एडवांटेज ये है कि लैंग्वेज स्कोर जो है वो CLB 5 ही आपको चाहिए, मतलब कि काफ़ी लो लैंग्वेज स्कोर पे आपका काम चल जाएगा कनाडा स्टार्टअप वीज़ा के लिए। और इसमें आपको जो है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंड्स आपको शो करना है। ये ध्यान रखिए आपको फंड्स इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंसेस शो करना है कि आपके पास फंड्स है अगर आप कनाडा जाते हैं तो, स्टार्टिंग में सर्वाइव करने के लिए, सेटल होने के लिए आपके पास फंड्स हैं। तो वो फंड्स का क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ है कि अगर 1% है तो फंड कितना होना चाहिए, 2% जो फंड कितना होना चाहिए, 3% है, ऐसे करके पूरी लिस्ट दे रखी है कितना फंड आपको शो करना है। तो मैंने 3% का जो मैंने फंड मैं आपको बता रहा हूँ,
तीन लोगों के लिए कितना चाहिए होगा, डेट इज $20,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको जो है इसके इक्विलेंट शो करना पड़ेगा। लगभग 12 लाख रुपए आपको शो करने पड़ेंगे तीन लोगों के। ये लिविंग एक्सपेंसेस आपको अपने अकाउंट में या जैसे भी आपके पास FDs हैं या PPF जो भी है, आपको ये लिविंग एक्सपेंसेस जो है शो करने पड़ेंगे। तो ये जो है प्रोसेस है आपका कनाडा स्टार्टअप वीज़ा का। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछना है, मैं ईमेल आईडी अपनी दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं और मैं आपके एप्लीकेशन में भी हेल्प कर दूंगा। और मैं कोई भी फी चार्ज नहीं करता हूं, जो भी मैं यहां पे बता रहा हूं डेट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपकी आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।